बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शाम ढलते ही लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। अपराधी एक स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख के जेवरात समेत लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बकरी बाजार स्थित अमन ज्वेलर्स के मालिक राजा राम आज अपने दुकान को बंद करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दुकान में रखे जेवरात को भी अपने पास रख लिया, लेकिन जैसे ही वो सेंट्रल बैंक के नजदीक पहुंचे, अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और उनके हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अमन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है सोने चांदी की, राजा राम स्वर्ण कार की, अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर सलोना जा रहे थे। इस बीच सेंट्रल बैंक के नीचे नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक दिखाकर फायरिंग करते हुए इनसे झोला छीन लिया और यह अंदाज लगाया जा रहा है उसमें सोने चांदी के ज्वेलर्स है और इनके साथ भारी मात्रा में छीनतरी की घटना हुई। 3 नॉन फायरिंग की सूचना है। बीच बाजार में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 300 ग्राम स्वर्ण जेवरात समेत अपराधी नकद लूटकर फरार हो गए, तो वहीं घटना के बाद स्थानीय व्यवसायी में पुलिस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। हमने बकरी में टिकेट बनाने का मांग सरकार से किया था, सरकार ने ये कह करके इसको सिरे से खारिज कर दिया। जो थाना से मात्र 4 किलोमीटर दूर बकरी मार्केट है, इसलिए सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव बकरी बाजार में पुलिस टिकेट बनाने का नहीं है। आए दिन बेगूसराय जिला असुरक्षित हमारे खास करके स्वर्ण व्यवसायी हैं, यानी सारे व्यवसायी हैं, लेकिन टारगेट स्वर्ण व्यवसायी को बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बकरी के अंदर लगातार घटनाएं घट रही है। बैंक से पैसा निकाला गया, डिक्की तोड़ करके मोटरसाइकिल से निकाला गया और बकरी, खास करके बकरी पुलिस जितने भी अभी हैं, थाना अध्यक्ष से लेकर उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग वो शराब के चक्कर में रहते हैं। किधर शराब पी करके लोग टक रहे हैं, उसको पकड़ करके लाएगा और उससे मोटा रकम वसूलने का काम करता है। बाजार में सैरन नहीं बजता है, गश्ती दल नहीं घूमता है, दो चौकीदार के भरोसे यहाँ बाजार है। पुलिस गश्ती नहीं करती है, हम लोग बराबर जा करके कहते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे बकरी ही नहीं, पूरे बेगूसराय जिला असुरक्षित है, आपराधिक घटना काफी जोरों पर है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बेगूसराय जिले में स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाते हुए लगातार लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह वाहन चेकिंग भी कर रही है। बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।